राधे राधे, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं बोने जा रही हूँ फूल, फूल के पेड़ और रहे उसके बीज। जैसे आपको मालूम ही होगा, क्योंकि मैं अभी मायके गई हुई थी, मायके से ये बीज लेके आई। मुझे नाम तो नहीं पता, जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं सर्च मार के बताऊंगी कौन सा फूल है। और ये ले और मैं ये फूल लेके आई हूँ और इनको बोऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वैसे बहुत लोगों ने बोला था कि प्लीज गार्डनिंग करने वाली वीडियो डालना, इसलिए वेट कर रही थी। ये जून महीने की पहली बारिश है। ये देखिए, आप भी देखिए कितनी बारिश हो रही है। ये सारा व्यू मेरे फ्लैट के बैक का है। और ये देखिए, ये मेरी तुलसी माता है। ये गमला हवा से टूट गया था और हम नए गमले लेके आए हैं, और मैं इन नए गमलों में तुलसी बोऊंगी और फूल बोऊंगी। इधर देखिए कितनी बारिश हो रही है, आप भी देखिए। ये देखिए, यहाँ देखिए, मैं आज का ही वेट कर रही थी कब बारिश होए और मैं कब अपने फूल बोऊं नए नए। तो मुझे प्लांट्स लगाने का बहुत शौक़ है। और ये देखिए, मैंने मेरा मनी प्लांट बीच में हवा चली थी, ख़राब हो गया था, तो मैंने काट दिया और फिर से वो हरा भरा हो गया। और ये देखिए मेरा मनी प्लांट, देखिए ये बीच में ये भी ख़राब हो गया था, अधिक गर्मी के कारण इसके पत्ते सूख गए थे। आज सोच रही हूँ कि कुछ नए फूल बोऊं। ये देखिए मेरा कड़ी पत्ते का पेड़ है ये, और ये है मेरा, और ये मेरा सुख शांति का पेड़ है। कौन सा पेड़? सुख शांति का पेड़, क्योंकि इसको भी मैंने शिफ्ट किया था, तो थोड़ा इसको बेचारा गर्मी में परेशान हो गया था, अभी थोड़ा खुश है। और ये देखिए, ये भी गर्मी में ख़राब हो गया था, अब ये थोड़ा हरा भरा होने लगा है। और ये सारे देखिए गर्मी में कितने परेशान हो गए थे पौधे। और पाम का पेड़, ये भी सूख गया था गर्मी में, अब इसको बारिश मिलेगी तो ये हरा भरा हो जाएगा। और दिखाती हूँ आपके नए तुलसी के पेड़ मेरे, ये देखिए इनको बारिश की बूंदें मिल रही हैं, तो ये तरोताज़ा हो गए, हरा भरा हो गया मेरा। और ये मेरा समी का पेड़, पहली बारिश जून की, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, जून की पहली बारिश। दिल खुश हो गया आज मेरा। दोस्तों, ये गमला है मेरा, और ये इस पे मैंने एक छेद कर दिया। फूल बोने से पहले एक छेद करना पड़ता है, ये देखिए पीछे से, क्योंकि अगर छेद नहीं होगा तो इसको हवा नहीं लगेगी। तो ये इसलिए होता है कि अगर इसमें अधिक पानी हो गया है तो यहाँ से हवा पास हो जाए और पानी यहाँ से सप्लाई हो जाए, इसलिए ये छेद किया जाता है। ये देखो, मैंने इसको बंद कर दिया इतने बड़े हिस्से, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूँगी मिट्टी। थोड़ी खाद, क्योंकि खाद डालेंगे तो इसको पोषक तत्व तो मिलेंगे, और इसको खाद डालना बहुत ज़रूरी है। खाद डालने से ये इनका ग्रोथ अच्छा हो जाता है और फूल भी बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें मिट्टी पूरी हो चुकी है, और अब मैं ये वाले बीज इसमें बो देती हूँ। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ऐसे डाल देना है सारे बीज, और देखो 3-4 दिन में ये अपने आप से बड़े हो जाएंगे। मैं उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगी, पर अभी तो मैं सिर्फ बारिश की वजह से बो रही हूँ। ये मैंने बो दिए, और एक बीज ये है वाला है, इसका नाम भी मुझे पता नहीं है, पर मैं लेके आ गई हूँ। अब देखो इसके भी बीज हैं, ये दोनों फूल मैं बो देती हूँ, देखते हैं कौन सबसे जल्दी होगा। इसको भी ऐसे बो देंगे इसके साथ। अब देखिए, पानी ऐसे फेंकना नहीं है, पानी को हमेशा छमछम करके डालना है, इस पर हाथों पर लेके ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके डालना है पानी, ऐसे छमछम कहते हैं इसको। मेरे दादाजी बोलते थे कि छपका छपका के पानी डालो, ऊपर से डालेंगे तो गड्ढा हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा तो सारा पानी नीचे चला जाएगा और इसको बीज को पानी नहीं मिलेगा, इसलिए छमछम करके पानी डालते हैं। पानी डाल दिया है और बीज भी बो दिए हैं, अब वेट करेंगे हम कि ये कितने दिन में निकलता है। जैसे ही ये निकलते हैं मैं आपको तुरंत आपको दिखाती हूँ कि मेरे प्लांट्स उग चुके हैं। दोस्तों, और बताइए कैसे हैं आप। अब इसका मैं पार्ट टू डालने जा रही हूँ अपने गमलों का, प्लांट्स का, सॉरी, क्योंकि मैंने अब
उस समय प्लांट हुए थे, आपको दिखाया था मैंने कि मैं छोटे छोटे बीज डाल रही हूँ, और पहले वो छोटे छोटे पहले मैंने बारिश बहुत हुई थी और देखिए छोटे छोटे बीज हुए हैं छोटे छोटे, और उसके साथ साथ उस बड़े बड़े देखो ये 3 से 4 दिन में इतने बड़े हो गए। और मैंने इस पे भी अपने इस वाले प्लांट में भी डाले थे, तो देखिए ये देखिए यहाँ भी हो गए। देखिए आपको देखते होंगे मैंने उस दिन बीज बोए थे और आज कितने सुंदर सुंदर पेड़ हो गए हैं ये। और अभी जो मैंने इसमें 2 प्रकार के बीज डाले थे, एक तो ये बड़े बड़े हो गए, ये जो हैं देखो ये जो हैं ये ऐसा वाला बड़ा बड़ा डाला था, और एक बिल्कुल छोटे छोटे से वो जो बिल्कुल छोटे छोटे हो रहे हैं ये देखिए ये वाला, ये देखिए ये छोटा है अभी, ये दूसरा बीज है, ये अब हो जाएंगे तो फिर मैं इसको भी दिखाऊंगी। और ये देखिए कितने जल्दी बड़े होते हैं मेरे प्लांट। तुलसी माता कितनी बड़ी हो गई तब से, कितनी छोटी छोटी थी, अब ये देखो आज ये गमले से बाहर आ गई है। और ये देखिए कितनी सुंदर हो गई है, ये देखिए